सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुमित्रा नेगी पर। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे? हम भी सब बढ़िया है। आज के वीडियो की शुरुआत अभी सुबह से हो रही है। घर का काम वाम निपटा के थोड़ा बहुत अब मैं जा रही हूँ गौशाला साइड, क्योंकि वहाँ पर हमारी एक नई गौशाला बनी है। तो वहाँ बहुत सारी मिट्टी उट्टी हो रखी है, थोड़ा सा भी फेंकना है वाला। तो चलते हैं अपने काम पे। और आज संडे है तो संडे के दिन तो फुर्सत ही नहीं रहेगी फ़ोन चलाने की या कुछ भी। तो चलते हैं अब गौशाले में। अब पता नहीं क्या मेरी सांस फूल जाती है, चढ़ाई चढ़ना इम्पॉसिबल हो गया मेरे। शायद क्या पता मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, भगवान जाने। और आजकल बहुत ही तेज़ धूप लग रही है, गर्मियों का टाइम भी आ ही गया है क्योंकि चैत चैत का महीना लगा है, तो धूप भी बहुत तेज़ बढ़ चुकी है। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत एक आध घंटा काम करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे घर को, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। धूप में ज़्यादा काम भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत करेंगे, फिर घर का भी काम है बहुत सारा। तो चलते हैं, मिलती हूँ मैं आपको बाद में। से शुरू होती है हमारी गौशाला। ये हमारी दो भैंसे हैं, ये छोटी वाली भैंस है, इसके पेट में बच्चा है, प्रेग्नेंट भैंस। और ये है, ये दूध देती है। क्या क्या देना है तेरे को? और अंदर है हमारे दो बैल। और यहाँ से शुरू होती है हमारी क्यारियाँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्याज हो रखी है, आज साले खेत में है। थोड़ा बहुत पालक है और आलू लगे हैं। और इस साइड छोटी छोटी क्यारियाँ बनी है। और एक गौशाला हमारी ये है, और एक उससे पीछे साइड बनी है छोटी सी। और एक क्यारी नीचे है, उसमें भी प्याज ही लगा है। और इस साइड हमारे गेहूँ हैं। और ये रही हमारी छोटी सी गौशाला। और ये सब लेबर लगे हैं यहाँ पर काम करने पर। दिया है। तो अभी गौशाले का थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद दिन के 11:30 हो चुके हैं, और हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि अब दिन के खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। दिन के खाना बनाने का टाइम हो गया है, फिर कपड़े वपड़े भिगाए हैं, फिर बच्चों को नहलाना है, कपड़े धोने हैं, पता नहीं बहुत से काम करने हैं अभी। और लोग आ रहे हैं, मैं तो खाना बनाती हूँ, अपना घर का भी काम निपटाती हूँ। तो चलते हैं, थकान भी लग चुकी है क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी थी वो भी फेंकी, और फिर थोड़ी जो नई गौशाला है उसकी लिपाई भी की। अब पता जाती है संडे को घर में। हेलो दोस्तों, तो अभी उस टाइम से मैं अब मिल रही हूँ आपको 11:30 बजे से। उसके बाद खाना पीना बनाया, बच्चों को नहलाया, फिर खुद नहाया, कपड़े वपड़े धोए, और अभी खाना पीना खा के बर्तन धो के अब आ रही हूँ मैं अपने घर की छत में। तो धूप तो आज अभी तेज़ है नहीं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और मौसम भी है आज का। और ये जो ऊपर वाली छत में है, इतने सारे कपड़े धोए मैंने अभी तक। और अब मैं हूँ अपने नीचे वाली छत में। और ये रहा बालसेम गांव का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। और यहाँ पर एक नए मकान का निर्माण भी हो रहा है, ये हमारे पड़ोसी आने वाले हैं यहाँ पर। और दिन का समय है, लोग आराम करें। और यहाँ पर देखो तो क्रिकेट खेलने पर लगे हैं, कहना ही नहीं मानते हैं। और मेरी सोना भी आ चुकी है यहाँ छत पे। सोनी क्या कर रहा है तू? कहाँ जा रहा है? और मेरी सोना का बर्थडे भी आने वाला है। मेरी सोना का बर्थडे है 20 तारीख को, बड़ी हो गई है, 3 साल पूरे, चौथा साल लगने वाला है उसे। हेलो कर दो, हाय, हाथ से करो, ऐसे हाय करो वो। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो। वो मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरी बर्थडे आने वाला है, मुझे विश करना। मुझे विश गुवारा लेना। अबे गुवारने से बोल, मेरे को आशीर्वाद देना। अब आशीर्वाद देना? हाँ, मैं जवान हो जाऊँ। मैं जवान हो जाऊँ। ओके, बाय कर दे। बाय। पापा को बोल, पापा पापा मेरे लिए ले क्या लेना है? क्या लेके आएंगे? बिल्डोजर। बिल्डोजर? हाँ। और गाड़ी और कार। अच्छा, कार। ठीक, चलो हम नीचे चलते हैं।
तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे अपने रूम पर, और अब आराम तो क्या ही करना क्योंकि 2:30 बज चुके हैं और चाय वाय बनाने का भी टाइम हो गए हैं। फिर चलते हैं हम अपने कुछ काम करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखती हूँ। बाय बाय।